हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? तो फाइनली रेडमी नोट 4 और जो बाकी के डिवाइसेस हैं, रेडमी वाई वन, रेडमी 4A, रेडमी 4, रेडमी नोट 3, सभी को स्टेबल अपडेट मिल गया है। अगर किसी को नहीं मिला, प्लीज़ चेक कर लीजिए, बिकॉज़ अपडेट आ चुका है। तो आज की वीडियो रेडमी नोट 4 के जो लेटेस्ट वर्जन आया है फ़ोन में, 9580, उसके बैटरी बैकअप के ऊपर है। तो मैंने अपडेट कर लिया था, आप देख सकते हो 9580 मेरे फ़ोन में है। और बैटरी बैकअप की बात करो तो पहले से बेटर हो चुकी है, क्योंकि 9540 में बहुत से बग्स थे। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे ताकि आपको दिखा सकूं कि बैटरी कितना अच्छा चल रही है। तो पहला स्क्रीनशॉट आ रहा है 53% पर, मैंने यूज़ किया इसे 4 घंटे 10 मिनट, मतलब 47% बैटरी पर 4 घंटे 10 मिनट चला है। काफ़ी अच्छी बैटरी है। मतलब तो आपको दिखा दूँ कि 14 घंटे मेरा जो फ़ोन है सिंस लास्ट चार्ज हुआ है, मतलब आप देख सकोगे अवेक और स्क्रीन ऑन दोनों अच्छे हैं। मतलब मेरा फ़ोन काफ़ी टाइम तक चल रहा था, मतलब यूट्यूब मैं यूज़ कर रहा था लगातार। तो नेक्स्ट परसेंटेज आ रही है 38% पर, मतलब 15% कम हुई है। 15% कम होते होते 1 घंटा 35 मिनट चली है। आप देखोगे 4 घंटे 10 मिनट और यहाँ पर आप देखोगे 5 घंटे 47 मिनट, मतलब 1 घंटा 35 मिनट चली है बैटरी 15% पर। मतलब अच्छी बैटरी हुई है पहले से। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है, ग्राफ भी अच्छे से नीचे आ रहा है। मतलब ऐसा कोई भी बैटरी में डिस्टर्बेंस नहीं आई है कि एकदम से नीचे चली जाए। तो मतलब अच्छी बैटरी है। तो नेक्स्ट परसेंटेज मैंने देखोगे आप 11% पर बैटरी है, तो 7 घंटे और 56 मिनट चली है बैटरी। आप पहले की परसेंटेज देखोगे तो 38% से लेकर 11% हुई है, मतलब 28% कम हुई है बैटरी। और आप देखोगे 2 घंटे फ़ोन चला है, मतलब 5 घंटे 47 मिनट से लेकर 7 घंटे 56 मिनट, मतलब 2 घंटे फ़ोन चला है 28% पर। तो बैटरी मतलब अच्छा चल रही है, जिस हिसाब से मैंने फ़ोन यूज़ किया है। मैं गेम खेलता हूँ और यूट्यूब तो सारा दिन ही चलाता हूँ, बिकॉज़ वीडियो देखनी होती है और एंटरटेनमेंट भी होना होता है। तो वीडियो तो देखते देखते यूट्यूब यूज़ होती ही है। तो मैंने लास्ट फ़ोटो खींची थी 5% पर, आप यहाँ पर देखोगे 7 घंटे 56 मिनट से लेकर 8 घंटे 23 मिनट, मतलब 30 मिनट मैंने और फ़ोन यूज़ किया, मतलब सिर्फ 6% पर, 6% बैटरी 30 मिनट और चली है। मतलब जो लास्ट के बैटरी परसेंटेज होते हैं ना, वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। जो पहले की बैटरी होती है 70-80%, वो कम होती है। तो लास्ट की बैटरी भी, मतलब जो लास्ट के सेल्स हैं बैटरी के, वो भी अच्छे चल रहे हैं। पहले से बैटरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पर 5% पर मेरी बैटरी है और फ़ोन आइडियल है 1.3%, मतलब 1.3% मैंने मेरे फ़ोन जब आइडियल पर था उतनी बैटरी खर्च हुई है, मतलब उतनी बैटरी यूज़ हुई है, बहुत कम है। अगर आपकी 5% से अबव बैटरी डिस्चार्ज हो रही है सिर्फ फ़ोन आइडियल पर, तो हो सकता है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। तो स्क्रीन ऑन टाइम आप देखोगे 19% यूज़ किया है मेरे फ़ोन ने सिर्फ स्क्रीन के लिए। तो मतलब बैटरी काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ी सी टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा कि आप अपनी बैटरी को कैसे सुधार सकें। तो सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर होगा इंस्टॉल्ड ऐप्स। यहाँ पर जो भी ऐप्स हैं फ़ोन के इंटरनल ऐप को छोड़कर जो आपने खुद से इंस्टॉल किया है, जैसे कि अमेज़ोन, तो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर होगा अदर परमिशन। तो यहाँ पर जो भी आपको लिख रहे हैं क्रोसिस, तो मैंने सभी को ऑफ कर दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट इन बैकग्राउंड, इसे क्रॉस लगा दीजिए, मतलब इसे ऑफ़ कर दीजिए। सभी ऐप्स जो भी आपने इंस्टॉल किया है, जैसे कि मैं और बात करूँ ये एपिक क्रिकेट की, तो इसकी भी मैंने अदर परमिशन पर बैकग्राउंड डाटा बंद किया हुआ है। तो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी खर्च नहीं होगी, जिससे आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। और जो लास्ट है मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको, वो आप है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी वाली ऐप ओपन करो और यहाँ पर होगा डाटा यूजेज, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज। इसे क्लिक करने के बाद ऊपर होगा 3 डॉट्स, उसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा होगा बैटरी बैकग्राउंड कनेक्शन।
और यहाँ पर आपको जो भी ऐप्स दिख रही हैं मैंने सभी को ऑफ़ किया हुआ है, मतलब बैकग्राउंड पे जो भी डाटा यूज़ होता है वो नहीं होगा इसमें। तो आपके अपने हिसाब से किसी भी ऐप का बैकग्राउंड कनेक्शन बंद कर सकते हैं। ध्यान रखिए वो आपकी सिस्टम ऐप नहीं होनी चाहिए, अगर अदरवाइज़ आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही था सभी जो मैंने आपको बताया है कि बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप कहो तो प्लीज़ टॉपिक मुझे सजेस्ट कर दो, मैं किस टॉपिक का वीडियो बनाऊं, तो आपकी जो डिमांड है वो तुरंत पूरी हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, अगर हो सके तो यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। Thank you.